ट्रेन नंबर 15026। आज में हम लोग जो है लोकोमोटिव तुलकाबाद सेट का WDP4। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और दोस्तों आज की मतलब जो ट्रेन यात्रा होगा जिसका ट्रेन नंबर है ट्रेन नंबर 15026, आज में हम लोग उस ट्रेन में यात्रा करेंगे। बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस में आज यात्रा होगा, वो भी पूरा डीजल इंजन के साथ 130 किलोमीटर पर हावर से चलने वाली। जो ये एकमात्र ऐसी जो ट्रेन है वो डीजल इंजन के साथ जो ट्रेन है वो 130 किलोमीटर पर हावर चलती है। और बस आप लोग को ही दिखाने के लिए जो यात्रा है वो आज स्लीपर क्लास में मैं करने जा रहा हूँ, और जिसका कोच है S3। और देखते हैं S3 कहाँ लगता है, और बाकी आपको उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का, देखते हैं कि कौन सी लोकोमोटिव लगी। आज का यही है जो है लोकोमोटिव तुलकाबाद सेट का WDP4B 4050। तो मैं आप लोग को इस मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव था वो दिखा दिया, और बाकी आप लोग को ये जो ब्लॉग है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आनंद विहार टर्मिनल से। और आज की जो यात्रा होगी वो पूरा आनंद विहार से लेकर और अपने मऊ जंक्शन तक होगी। और फिलहाल आज एक बार फिर से इस ट्रेन में 130 किलोमीटर पर आवर से चलने में हम लोग की जो मजा है वो बहुत ही मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग यात्रा करेंगे स्लीपर क्लास में। तो अभी हम लोग एक चिप्स और एक जो पानी का बोतल है वो खरीद लिए हैं, और क्योंकि जो ट्रेन है वो सीधा अब यहाँ से चलकर सीधा अलीगढ़ पे ही रुकने वाली है, और भाई अलीगढ़ अभी मतलब यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और फिलहाल भाई स्लीपर क्लास देखते हैं कितना भीड़ है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और बाकी अभी मैं मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस की बात करूँ तो इस जो ट्रेन है इसमें आपको कर्टन्स की जो सुविधा है वो मिल गई है, लेकिन अभी जो बेडरोल है वो आपको 1 अप्रैल से मिलेगा। यह है आज की अपनी कोच S3, वो भी पूरा 2020 मेड की है। और चलिए चलते हैं अपने अंदर, और फिर मैं आपको अपनी सीट जो है वो दिखाता हूँ। तो अपनी जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे लगी है, और भाई आज देखते हैं हम लोग 130 किलोमीटर पर आवर से वो भी डीजल इंजन की शक्ति में आज हम लोग जो यात्रा है वो अपने देखेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेन है मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस आज वो बिल्कुल 25 मिनट के रीशेड्यूल के साथ जो ट्रेन है वो अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने के लिए जो है वो अब तय है। और बिल्कुल 25 मिनट के रीशेड्यूल के साथ जो ट्रेन है वो अब डिपार्ट कर चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से। और सामने आप देख रहे होंगे जो आनंद विहार से चलकर दानापुर को जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस जो लगी है, और आज गाड़ी ये भी जो है ट्रेन है वो बिल्कुल वो भी ट्रेन 25 मिनट के रीशेड्यूल के साथ चल रही है। और भाई जो ट्रेन है वो बिल्कुल आपका डिपार्ट कर चुकी है। और ट्रेन में लोकोमोटिव की बात करें तो ट्रेन में लोकोमोटिव लगा है WDP4B, वो भी तुगलकाबाद सेट का। और आज दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस में लगा है कानपुर का WP7 लोकोमोटिव। बाय बाय आनंद विहार।
आपको 10 भी देखने को मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। और भाई बता दूं इस मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस की तो भाई मतलब बहुत ही मतलब लेजेंडरी ट्रेन है। और चलिए पहले जो खाने के जो इंतजाम है वो करते हैं। तो जो ट्रेन है वो बहुत ही कानपुर सेंट्रल पे बहुत ही कम रुकी है और फिलहाल जो ट्रेन है वो चल चुकी है यहाँ से। बहुत कम रुकी है ना, लेट ही ना गाड़ी लेट ही। लेकर और कानपुर तक ट्रेन भले ही 130 किलोमीटर पर आवर से चली थी, लेकिन जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा वो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और बीच बीच में मैं आप लोगों को टाइम लैप्सिंग भी आपको दिखाता था। और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे और देखते हैं कितने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। और आई थिंक हमारे हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं लखनऊ चारबाग का वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है। और अभी हम लोग की जो ट्रेन है वो अभी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे इंटर कर रही है लखनऊ के चारबाग में। और चलिए अगर आप लोगों को मैं लखनऊ चारबाग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 8 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे और जिसका स्टेशन कोड है LKO। और यहाँ पे आपका जो है वो मेट्रो स्टेशन भी आपको ठीक स्टेशन के सामने ही मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन। तो चलिए फिलहाल मिलता हूँ मैं आप लोग से सीधा ट्रेन डिपार्चर में। और बिल्कुल 10 मिनट के बाद हम लोग की जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। और बगल में आप जो ट्रेन देख रहे हैं वो लखनऊ की मोस्ट ऑफ लेजेंडरी ट्रेन लखनऊ मेल एक्सप्रेस खड़ी है, जिसमें भी कर्टन्स की जो सुविधा है वो अभी नहीं प्रोवाइड की गई है आप देख सकते हैं इस लखनऊ मेल एक्सप्रेस में। और मैं आपको बता दूँ कि इस मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस के बारे में, तो अब जो मतलब जो अब आगे की जो मतलब आप यात्रा जो देखने वाले हैं थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब कम देख पाएंगे क्योंकि जो रात है वो हो चुका है। और देखते हैं अगर जहाँ जहाँ नींद खुलती है तो मैं आपसे ज़रूर आपसे मिलूँगा। और फिलहाल अभी जो ट्रेन है वो अभी डिपार्ट कर रही है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। एक्सप्रेस थी जो कि वाराणसी से चलकर जोधपुर रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। और दोस्तों ठीक आप लोग अकबरपुर रेलवे स्टेशन से पहले आप देखें कि जोधपुर एक्सप्रेस का हम लोग के साथ एग्जिट हो जाता है। और अभी जो मेरी जो नींद खुली है वो सागंज रेलवे स्टेशन पे खुली है और सागंज पे देखता हूँ कि हम लोग की जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर रही है वो भी
जो लोको रिवर्सल करके अब जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है मऊ की तरफ। और आप लोग को ये जो ब्लॉग भाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी सागंज के रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताऊँ तो सागंज का स्टेशन कोड है SHG और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्टेशन पे। और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई है। दोस्तों आप लोगों को सरायमीर और खुराशन रोड का स्किप कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जहां से कैफियत ओरिजिनेट होती है। और फिलहाल जो ट्रेन है वो बिल्कुल अभी आधे घंटे की लेट से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची है। और अभी जो मतलब सुबह की जो टाइम है और सबसे पहले जो सुबह होता है वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे ही होता है इस ट्रेन का। और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताऊं तो इसका स्टेशन कोड है AMH और यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई है। और बिल्कुल 5 मिनट के स्टॉपेज के साथ जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है मऊ जंक्शन के लिए। और आप भीड़ भाड़ जो देख सकते हैं कितना जो भीड़ है वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे ही उतर चुकी है। और फिलहाल चलिए आप लोग देखें यहाँ से इसका डिपार्चर और मैं मिलता हूँ सीधा मऊ रेलवे स्टेशन पर।
सो दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं मऊ जंक्शन। और भाई नींद इतनी खतरनाक लग रही थी कि मतलब पूरा सो गया था। और एकदम मऊ जंक्शन जब ट्रेन आगे खड़ी है तब मैं उतरा हूँ। चलिए दैट्स ऑल गाइस, आप लोग को पूरा ब्लॉग आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए ट्रेन जर्नी में और किसी और नए ट्रेन के ब्लॉग में।